हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातीज किचन। मैं स्वाति आज आपके साथ लेके आई हूँ ट्राई कलर का सैंडविच। ये रिपब्लिक स्पेशल है। चलिए चलते हैं ट्राई कलर सैंडविच की तरफ। किया है ब्लैक पेपर है और मैंने यहाँ पे मेयोनीज का यूज किया है। यहाँ पे व्हाइट मेयोनीज का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप इसकी जगह हैंकर भी ले सकते हैं। हैंकर ये दही होता है जिसका पानी हम निथार कर यूज करते हैं। आप उसको रात भर सोक करके उसे यूज कर सकते हैं। वो हैंकर कर्ड होता है। और यहाँ पे मैंने साथ के साथ ग्रीन चटनी ली है और बटर जो हम सेकने के लिए अप्लाई करेंगे ब्रेड को। तो चलिए चलते हैं प्रोसेस की तरफ। हम यहाँ पे ब्रेड लेंगे और ब्रेड की जो साइड की एजेस है इसको हम कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 ब्रेड ले रही। ये देखिए, मैंने ब्रेड के एजेस निकाल लिए हैं। मैंने ज्यादा एजेस नहीं निकाले, बहुत हल्का हल्का मैंने कट किया है चारों तरफ से। इसके साइड कॉर्नर निकालने के बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे कुछ चीजें। तो सबसे पहले हमारा जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। तो हम पहले ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। आप चाहते हैं तो इस पे बटर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं बटर अप्लाई नहीं करूंगी। और इसमें आप वेजेस का यूज भी कर सकते हैं। मैंने कोई वेजेस का यूज नहीं किया है। मैं ऐसे आज बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना रही हूँ। सब लिक्विड चीजें यूज कर रही हूँ। सॉल्ट का यूज हम कम ही करेंगे क्योंकि ग्रीन चटनी में भी नमक होता है काफी, और जो हमने ये मेयोनीज ली है इसमें भी नमक होता है। तो ये मैंने ग्रीन चटनी अप्लाई कर ली है बहुत अच्छे से। सबको अच्छे से अप्लाई करना है। ये देखिए, ये ग्रीन चटनी मैंने अप्लाई कर ली है। अब मैं दूसरी स्लाइड लूंगी और इसके ऊपर रख दूंगी और मैं यहाँ पे मेयोनीज का यूज करूंगी। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, कर्ड भी ले सकते हैं, मलाई भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। बस व्हाइट होना चाहिए और खाने में भी प्रॉपर अच्छा लगना चाहिए। ये देखिए, ग्रीन चटनी में ऑलरेडी नमक था इसलिए मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। इसमें मैं हल्का सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट का यूज करूंगी। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर और पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट भी बिल्कुल हल्का यूज करना है मुझे। और साथ के साथ मैं यहाँ पे रखूंगी ये दूसरी स्लाइस। इस पे मेरी जो स्प्रेड है ये यूज करूंगी। ये आप घर में बना भी सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। थोड़ी मेयोनीज और रेड सॉस का यूज करके, देखिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। अभी सैंडविच को फटाफट आज बना लीजिए, मिस मत करिए। ये देखिए, काफी अच्छे से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। और एक ये जो ब्रेड की स्लाइस है इसे भी मैं ऊपर रख देती हूं। ये देखिए, सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने पहले से तवा रख दिया है। तवा अच्छा हीट हो चुका है और साथ के साथ अब मैं इस पे बटर अप्लाई कर लूंगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहें तो इसे हल्का सा बेक भी कर सकते हैं। मैं इसे बेक करना पसंद करूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इस पे। मैं दोनों साइड से ऐसे ही गोल्डन ब्राउन सेक लेती हूँ इसे। ये देखिए, सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। आप देख सकते हैं ट्री कलर सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितना प्यारा कलर आया है सैंडविच में। और आज रिपब्लिक डे है। इस सैंडविच को ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स में एंजॉय कीजिए दोस्तों। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अपना प्यार अपना साथ हमेशा मुझे ऐसे देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।